चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। आप मेरे वचन को सुन रहे हैं कि मैं वो पादरी साहब के, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस के वचन मैंने सुने, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस के वचन से सुनकर जो हूँ मैंने अपने जीवन को बदला, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस ने ये कहा, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस था, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस ने कुछ नहीं कहा, जो कुछ उसे प्रभु ने दिया वो आपको सुनाया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह, प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह की गवाही क्या है। हम गवाही के विषय में जो है बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो है कलीसियाओं में या प्रार्थना सभाओं में जो है अपने जीवन की गवाही देते हैं और बहुत सी बातें जो हैं वो गवाही देते हैं। तो जो वो गवाही देते हैं क्या वो यीशु मसीह की गवाही है या यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहे हैं, किस बात के लिए गवाही दे रहे हैं, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह की गवाही और यीशु मसीह के लिए गवाही देना जो है और अपने जीवन की गवाही देना, ये अलग अलग बातें हैं और अलग अलग चीजें हैं। हम जो अपने जीवन की गवाही देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। बड़ा ध्यान देने की बात है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम कि जब हम अपने जीवन की गवाही देते हैं तो इसका मतलब हम अपने पवित्र होने की और अपने धार्मिक होने की गवाही दे रहे हैं। हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम अब उस बुराई का रास्ता छोड़कर हमने भलाई का और पवित्रता का रास्ता जो है वो अपना लिया है। इस जो गवाही हम कलीसियाओं में या चर्च में खड़े होकर देते हैं वो इस बात को प्रमाणित करती है, यीशु मसीह की गवाही को प्रमाणित नहीं करती है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। और यहां जो है लोगों की गवाही क्या, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु ने मुझे उस पाप से जो है उस बुराई से निकाला है, इसलिए उस जो बुराई मेरे अंदर थी और उसकी जो मैं गवाही देता हूं जिससे मुझे प्रभु ने बचा लिया है, तो मैं प्रभु की गवाही दे रहा हूं। अब यहां पर जो है प्रभु ने मुझे बचा लिया, यदि आपकी किसी की भी यही सोच है तो प्रभु के गवाह कभी नहीं हो सकते हैं कि हमें उस बुराई से निकाल लिया। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु ने संपूर्ण मानव जाति के लिए जो है पीड़ा को सहन किया, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रभु ने जो है अपना बलिदान दिया और प्रभु ने जो है संपूर्ण मानव जाति को उस बुराई से उस पाप से बचा लिया। और आप कह रहे हैं कि मैं तो गवाही इसलिए दे रहा हूं कि मुझे उस बुराई से उस पाप से जो है प्रभु ने निकाल कर खड़ा कर दिया और मुझे बचा ले। बचा तो आप 2000 साल पहले लिए गए हो, प्रभु ने सबके लिए आने वाली पीढ़ी तक के लिए अपना बलिदान दे दिया है। तो अब अगर आकर हम इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु ने उस बुराई से मुझे बचा लिया है और उस पाप से निकाल लिया है, इसलिए मैं जो गवाही दे रहा हूं वो प्रभु के लिए है क्योंकि प्रभु ने मुझे बचा लिया। बचा तो प्रभु ने 2000 साल पहले लिया है, अब आप निकल कर जो आ रहे हैं उसमें से, तो ये जो है ये गवाही नहीं होती। बल्कि क्या होता है, आप जिन बातों की गवाही दे रहे हैं वे गवाही नहीं है बल्कि आपका पश्चाताप है, उस बुराई से पश्चाताप है। क्योंकि प्रभु तो बचा चुका, उस बुराई से जो है वो हमारा पश्चाताप है कि मैंने बुराई से तौबा की है, पश्चाताप करा है, अब मैं उस बुराई से निकलकर जो प्रभु ने मेरे लिए बलिदान दिया है उस बलिदान के अंतर्गत आकर उसके लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया है, अब मैं बुराई से दूर हूं, इसका यह अर्थ है। मगर हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की जो गवाही है, जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही है वो क्या है। और इससे पहले कि हम गवाही देखें, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। गवाही जो है, बहुत से लोगों की आपने गवाही सुनी होगी, बहुत से लोगों की आपने गवाही सुनी, सबकी गवाही का आधार एक ही होता है। अब सबकी गवाही का आधार जो है वो एक ही होता है, वो क्या है, अच्छा चाहे वो मसीह नए मसीह हो या पुराने मसीह हो, खानदानी मसीह हो या नए विश्वासी हो या बहुत पुराने विश्वासी हो, उन सबकी गवाही को अगर आप सुनोगे तो सबकी गवाही का आधार जो है वो एक सा है, किसी में कोई बदलाव नजर नहीं आता है, बस शब्दों का हेर फेर होता है, दो चार बातें कुछ ज्यादा होती हैं या कम हो सकती हैं, बाकी सब कुछ एक सा होता है। यहां तक कि अगर प्रभु के सेवक लोग भी गवाही देते हैं तो उनकी भी गवाही का आधार आम लोगों की गवाही के आधार पर ही होता है। अब कैसे होता है, कैसे इन चीजों को देखेंगे कि गवाही होती कैसे है, जरा ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को जो है कि प्रभु की गवाही जो है वो कैसी होनी चाहिए और हम गवाही क्या करें। आपने बहुत से लोगों की जो गवाही सुनी होगी,
अब बहुत से लोग क्या गवाही देते हैं कि मैं बहुत पापी था, मैं बहुत बुरा इंसान था, मैं नशा करता था, मैं बीड़ी सिगरेट शराब पीता था, मैं लड़ाई झगड़े करता था, मैं व्यभिचारी था, बहुत सी बहनों के जीवन बर्बाद कर दिए हैं, और मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं चर्च नहीं जाता था, मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, मैं बहुत ही क्रोधी इंसान था, बहुत लोभ और लालची इंसान था, बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं करता था, मैं अपने बुराइयों में लगा रहता था। इन सब बातों की जो है आपने अक्सर सुना होगा, यही गवाहियां होती हैं और यही गवाही देते हैं। और दूसरी बात, अब ये गवाही तो इन्होंने दे दी, अब हमारे जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा जो है किसकी प्रशंसा होनी चाहिए, किसकी महिमा होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। मगर हम प्रशंसा और महिमा किसकी कर रहे हैं? जिस चर्च में खड़े होकर गवाही दे रहे हैं, जिस पादरी के समक्ष गवाही दे रहे हैं, या जिस पादरी ने हमें बचाया है, या हमें लेकर आया कि साहब ये पादरी साहब थे, इन पादरी साहब ने बचाया है, इन पादरी के साहब के जीवन को मैंने देखा, इनके जीवन को देखकर मैं बदल गया, ये मेरे घर आए, इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये मतलब उस पादरी के, उस मनुष्य की जो है वो प्रशंसा जो है वो की जा रही है। बाइबल के अंदर जितनी भी गवाहियां देखोगे, कहीं पर भी किसी मनुष्य की उन गवाहियों के द्वारा प्रशंसा नहीं की गई है। जबकि पौलुस और पतरस ने और बहुत और चेलों ने बहुत से लोगों के जीवन को बचाया, मगर सबने इस बात की गवाही दी कि मैं हमारे जीवन को जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, और प्रभु यीशु उस अपनी गवाही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा और उसकी प्रशंसा की। आज पादरी भी बड़े खुश हो रहे हैं, ये बड़े धार्मिक हैं, बहुत अच्छे हैं, कि उनकी प्रशंसा हो रही, उनकी गवाही वीडियो बनाकर YouTube पे डाल दिया जाता है, Facebook पे डाल दिया जाता है, बहुत सी मीडियाओं पे डाल दिया जाता है कि साहब ये देखो इस पादरी की जो है इनकी गवाहियां सुनिए, देखिए कितनी अच्छी गवाही है, और इस गवाही के द्वारा सुनिए। तो वो क्यों सुनवाते हैं? ताकि उनकी प्रशंसा और लोग भी सुने, उनकी तारीफ और भी लोग सुने। हम स्वयं अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं, मुंह पे प्रशंसा करवा रहे हैं। जो मुंह पे अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो वो झूठी तारीफ कर रहा है, आपको देखकर कर रहा है। तारीफ जो है, अगर हम परमेश्वर के वचन के लिए, अगर हम प्रभु के लिए कोई गवाही दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की गवाही होनी चाहिए, गवाही होनी चाहिए, और प्रभु की प्रशंसा होनी चाहिए, और प्रभु की महिमा होनी चाहिए। तो ये तो गवाही हुई नहीं है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उस पादरी को मक्खन पॉलिश लगा रहे हैं और उसकी चापलूसी कर रहे हैं, और वो पादरी भी जो है फूल कर बिल्कुल कुप्पा हो गया, और अपनी प्रशंसा करवाए पड़ा है। उसको इतना तो सोचना चाहिए उस पास्टर को कि मेरी प्रशंसा नहीं, प्रभु की प्रशंसा होनी चाहिए, कि मैंने नहीं बचाया, प्रभु ने बचाया है, प्रभु ने मुझे बस अपना संदेश दिया कि मैं उस तक पहुंचाऊं, प्रभु ने मुझे अपनी बातें दी हैं कि उसके मन में डालूं, उसके लिए प्रार्थना करूं। बचाने वाला सिर्फ प्रभु है, और जो बचाने वाला होता है वही बड़ा होता है, और उसी की प्रशंसा होनी चाहिए। और यहां हमने क्या करा है, प्रभु को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल निकाल के रख दिया, एक किनारे जो है निकाल के रख दिया है, प्रभु की अहमियत को खत्म कर दिया है अपनी गवाहियों के द्वारा। एक सी गवाही, सब नए विश्वासी की भी, पुराने विश्वासी की भी, किसी भी चर्च में चले जाइए, मैं ये था, मैं वो था, मैं फलाना था, मैं ढिमाका था, और कहते कि हमने प्रभु के लिए गवाही दी है। गवाही क्या होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल इन चीजों को समझना है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 10 पद पढ़ रहा हूं, देखिए मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, मगर मेन जो पॉइंट है वो पढ़ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, आप जो गवाही दे रहे हैं इससे भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। सोचिए आप भविष्यवक्ता, अपनी गवाहियों के द्वारा आप भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में खड़े हो रहे हैं, मगर कौन सी श्रेणी में खड़े हो रहे हैं? क्योंकि मत्ती 24 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, कि आप अपनी झूठी गवाहियों के द्वारा, आप दे तो रहे अपनी गवाही, आप दे तो रहे अपने पादरी की गवाही, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि हमने मसीह के लिए गवाही दी, हमने मसीह की गवाही दी है, हमने अपने जीवन में मसीह की गवाही दी है। आप झूठे भविष्यवक्ता में खड़े हो जाते हैं अगर इस तरीके की गवाही देते हैं। ये गवाही नहीं होती है, इसको गवाही नहीं कह सकते हैं।
प्रभु के सच्चे गवाह हम कैसे बन सकते हैं, ये गवाही देने से पहले हमें सोचना है कि क्या मैं अपनी गवाही के द्वारा मसीह का गवाह बन सकता हूं। देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह कैसे बन सकते हैं, जब आप गवाही देंगे। मगर गवाही देने से पहले हमें करना क्या है, जरा सोचना। यहां क्या लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका एक अध्याय और उसका आठवां जो पद है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है इस प्रकार से, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, विशेष बात क्या है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा। पहली बात तो जब आप गवाही देने के लिए खड़े हैं तो आप पहले यह सोचें कि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। और फिर लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा आएगा, फिर वो आपको सामर्थ्य देगा। क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा चुके हैं? अब आप कहोगे पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, तभी तो गवाही देने के लिए आए, तभी तो उस बुराई से दूर हुए। ऐसा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा से भरे हैं तो किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुख से और अपने जीवन से प्रभु की प्रशंसा करेंगे, किसी और की तारीफ नहीं करेंगे चार लोगों के सामने खड़े होकर कि साहब ये पास्टर ऐसा था, ये पास्टर धार्मिक है, ये पास्टर के वचन ऐसे थे, ये पास्टर के वचन मेरे जहन में घुस गए। चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, आप मेरे वचन को सुन रहे हैं कि मैं वो पादरी साहब के, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस के वचन मैंने सुने, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस के वचन से सुनकर जो हूं मैंने अपने जीवन को बदला, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस ने ये कहा, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस साहब, पादरी पैट्रिक फ्रांसिस ने कुछ नहीं कहा। जो कुछ उसे प्रभु ने दिया वो आपको सुनाया, क्योंकि ये वचन भी प्रभु का है और बचाने वाला भी प्रभु है। इसलिए बचाने वाला पादरी पैट्रिक फ्रांसिस नहीं है, और वो जो वचन दे रहा है वो नहीं दे रहा है, वो प्रभु ने जो है वो वचन मुझे दिया, जो मैंने आप तक पहुंचाया वो प्रभु का वचन है, और वो वचन आपको बचाता है, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और परमेश्वर का वचन कहता कि वचन देहधारी हुआ है। तो सोचिए, बचाने वाला मैं नहीं हूं, बचाने वाला प्रभु है, और इसलिए हम जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। और उसके बाद सिर्फ एक जगह खड़े होके नहीं, या जब प्रार्थना सभा हो रही है या चर्च लग रहा तब जाके खड़े हो गए और गवाही दे दी, बल्कि सारी जगह जाकर आप प्रभु की गवाही देते रहोगे। लिखा ना, पृथ्वी की छोर तक जहां मौका मिलता है आपको जाने का, जहां आप जाते हो, यार दोस्तों में, नातेदारों में, रिश्तेदारों में, इधर उधर, इस शहर में, दूसरे शहर में, ये नहीं, और सिर्फ अपनी कलीसिया में नहीं, सभी कलीसियाओं में जाकर आप प्रभु के जीवन की गवाही दें। परमेश्वर का वचन इस बताता है। और सबसे पहली बात क्या है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग, हमारे यार दोस्त जानते हैं, या जो बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं जिनको आप बिल्कुल कुछ समझते नहीं, वो भी जानते हैं आपके जीवन के बारे में कि ये गवाही कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि हमारे जीवन से क्या है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही होनी चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, लोग देखें प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में। जब आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जो है लास्ट में, जब आप पढ़ेंगे ना उस पूरे पद में, जब लास्ट में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए। कैसे चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए? क्योंकि मसीह के स्वभाव को और मसीह के उन सारी शिक्षाओं को उन्होंने उनके जीवन में देखा, यानी यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की शिक्षाएं उनके जीवन से गवाही दे रही थी। हमारे जीवन से गवाही देते हैं, हम खुद तोते की तरह रटा दिए गए हैं और बोले चले जा रहे हैं, मगर हमारे जीवन से यीशु मसीह का स्वभाव या यीशु मसीह की शिक्षाएं गवाही दे रही हैं कि हाँ, ये यीशु मसीह का जन है, ये यीशु मसीह का प्रिय बेटा है या प्रिय बेटी है। हमें इन चीजों को समझना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जो कहता है, क्योंकि गवाही देने वाला कौन है, ध्यान दीजिएगा, गवाही देने वाला कोई और नहीं है। पहला योहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर होकर गवाही देता है हमारे जीवन की और उन शिक्षाओं की, यीशु मसीह की जब गवाही देता है, तो वो किसी मनुष्य की गवाही नहीं देता है, वो किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करता है, वो किसी मनुष्य की तारीफ नहीं करता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करता है और प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करता है।
आज बहुत ये होने लगा है कि साहब वो फलाने पास्टर साहब ये हैं, फलाने पास्टर साहब ये हैं, उन्होंने मुझे ये बचा लिया, उन्होंने मुझे बचा लिया। कोई मेरे लिए भी अगर कोई ये कहता है तो मैं कहता हूं वो गलत कह रहा है। मेरे लिए भी अगर कोई कहता है वो गलत कह रहा है, क्योंकि बचाने वाला मैं नहीं, सिर्फ प्रभु है। और इसलिए आपके जीवन के द्वारा मेरी नहीं बल्कि प्रभु की महिमा और प्रशंसा होनी चाहिए और उसी की गवाही होनी चाहिए। गवाही क्या है यह समझना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो गवाही देता है। अब हम इस बात को भी समझ लें कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। जी हाँ, मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसके 42 पद में क्या लिखा हुआ है। यहां इस प्रकार से लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। अब ध्यान करना है, गवाही तो हमें देनी है मगर गवाही के साथ साथ प्रचार भी करना है। अब किस बात का प्रचार करना, हम गवाही तो दे देते हैं मगर प्रचार नहीं कर पाते हैं, भाई प्रचार भी करना है यहां। और ये गवाही क्या है, ये आज्ञा है, ये हुक्म है परमेश्वर का कि गवाही दो और उन गवाहियों के द्वारा तुम मेरे गवाह ठहरोगे। पहले हम ये तो देख लें कि जो गवाही हम दे रहे हैं उस गवाही के द्वारा हम यीशु मसीह के गवाह बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और यदि नहीं बन रहे हैं तो हमारी वो गवाही जो है जो हम खड़े होकर दे रहे हैं वो फेल है बिल्कुल। और हमने मीडिया पर उस गवाही को डालकर हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। बात कड़वी लगती है मगर परमेश्वर के वचन से, क्योंकि एक आज्ञा है प्रभु की और कहता है कि जिसने जीवतों और मरे हुओं का जो वो है न्याय करेगा। जी हाँ, जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, इस बात की चर्चा करना है। अब जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, प्रभु करेगा, हम उसके न्याय की गवाही दे रहे हैं कि वो जीवतों और मरे हुओं का भी न्याय करेगा। तो वो न्याय का स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का है वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। उस न्याय के स्वभाव की गवाही जो है वो हमारे जीवन से भी निकलनी चाहिए। उस न्याय का न्याय की गवाही हमारे जीवन से भी होनी चाहिए। क्या होती है, चलिए देखते हैं पौलुस क्या कहता है। जी हाँ, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या अब यहां जो है पौलुस क्या कह रहा है कि हम प्रचार कर रहे हैं किस बात का, कि प्रभु यीशु मसीह जीवतों और मरे हुओं का जो है वो न्याय करेगा और वो न्याय करता है। जब हम प्रभु के लोग हैं तो वो न्याय का काम हमें इस पृथ्वी पर रहकर करना है, वो न्याय की गवाही भी हमें देनी है। गवाही सिर्फ एक बात की नहीं है, बहुत सी चीजों की गवाही हमारे जीवन से होनी चाहिए। जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो पवित्र आत्मा के फलों की गवाही हमारे जीवन से उत्पन्न होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा के फल हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ की गवाही होनी चाहिए, प्रभु के वचनों की गवाही होनी चाहिए कि प्रभु का वचन जो है हमें समाया हुआ है। परंतु यहां क्या है, जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय का प्रचार कैसे करेंगे, क्योंकि जब हमारे हम दूसरों में हम जब बाहर होते हैं अपने परिवार से बाहर जब होते हैं तो हम बहुत सी बातें करते हैं, बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बड़े धार्मिक बन जाते हैं, बड़े न्यायकर्ता बन जाते हैं, कहते हैं यार क्या न्याय करा है, कितनी अच्छी बातें करता है। परंतु अपने परिवार के अंदर अपने परिवार के लोगों से पूछ लें कि कैसा न्याय करते हैं, किस तरीके से अन्याय करें, अपने ही परिवार के लोगों को के बीच में कैसे बुरे बने हुए हैं और कैसा बुराई करते हैं। छोटी सी छोटी बातों के झगड़े तो हम सॉल्व कर नहीं पाते बल्कि और उनको बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम परमेश्वर के गवाह हैं। कैसे गवाह हैं, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 31 पद में क्या लिखा हुआ है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। पहले हम दूसरों को जांचने से पहले दूसरों का न्याय करने के पहले हम अपने आप को जांचे कि हमारे परिवार के लोग सही हैं। वो कहते हैं ना कि परिवार के जो लोग होते हैं सबसे पहले वही उनके दुश्मन होते हैं। भाई दुश्मन होंगे क्यों नहीं, आपने दुश्मन बना क्यों रखे, क्यों वो आपके दुश्मन बने हुए हैं, क्यों बुराई के बने हुए हैं? आप धर्मात्मा बने हुए हैं, धर्मी बने हुए हैं, इधर उधर जाके गवाही दे रहे हैं, परिवार के अंदर बुराइयां पड़ी हैं, क्योंकि लोग पहले आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लोगों को देखते हैं, उसके बाद फिर वो और दूसरी बातों को देखते हैं। इसलिए पहले हम अपने आप को जांच लें कि हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई है या नहीं है, या हम तो कोई अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं। पहले उनको खत्म करें, उसके बाद प्रभु की गवाही हमारे जीवन के द्वारा होनी चाहिए। और प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 33 पद में क्या लिखा हुआ है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु
यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। अब यहां क्या है, जितने भी प्रेरित थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी। अब आप कहोगे जी उठने की गवाही तो हम भी कहते हैं, हाँ भाई प्रभु यीशु मसीह जी उठा, प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग हैं और बहुत से अन्य जाति के लोग भी ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो गए? बहुत से पापी लोग भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तो वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह हो गए? आप अगर कह रहे हो प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो कौन सी बड़ी बात है, मगर पौलुस तो एक अलग तरीका बताता है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का। वो तो प्रभु यीशु मसीह को जीवित दिखाने का और जीवित बताने का उसका ही तरीका अलग है, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वही तरीका हमारे जीवन में होना भी चाहिए। अब क्या तरीका है उसका, गलतियों 2:20 यहां लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है, वो क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं क्रूस पर चढ़ गया, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया तो समझो मैं चढ़ गया। कैसे चढ़ गया, क्योंकि जो हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को लेकर चढ़ गया। तो हमारे पापों को लेकर चढ़ जाने का मतलब क्या है कि मैं चढ़ गया, पौलुस कह रहा है कि हम उस क्रूस पर चढ़ गए, और जब उस क्रूस पर हम चढ़ गए तो उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मर गया, तो इसका मतलब हम मर गए। वो पाप जो था, वो पापी मनुष्य जो था, जो पापी स्वभाव था, वो मर गया और वो खत्म हो गया। और जब वो पाप खत्म हो गया और वो पाप में हम मर गए, तो उसके बाद उसे क्रूस से उतारकर उसे दफना दिया गया, वो दफन भी हो गया। अब पौलुस क्या कहता है, अब मैं नहीं रहा, परंतु जब यीशु मसीह जी उठा तो उसके साथ मैं भी जी उठा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब उस शरीर में नहीं जीवित था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब उस स्वर्गीय शरीर में जीवित हुआ है, तो हम भी उसके साथ स्वर्गीय शरीर में जीवित हो गए। यीशु मसीह उस आत्मिक शरीर में, आत्मिक तो वो पहले भी था, परंतु वो जो था ईश्वरीय रूप में जीवित हो गया, तो यीशु मसीह के साथ हम भी उसके ईश्वरीय रूप में जीवित हो गए। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु हमारे अंदर जो है, अगर वही चीजें बनी हुई हैं, वही सब कुछ है, तो हम जीवित नहीं है। और हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में जो है, मैं एक पद और पढ़ाकर खत्म करूंगा, यहाँ 1 Corinthians 1:4-6 तक है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की हो। और यहां क्या लिखा है कि हम हर बात में धनी किए गए। किस बात में धनी किए गए हैं, सबसे पहली बात वचन में लिखा हुआ, हर बात में अर्थात सारे वचन में, सारे वचन में और सारे ज्ञान में हम धनी किए गए, यानी परमेश्वर का सारा वचन और वो ज्ञान जो है हमारे अंदर से प्रकट होकर गवाही देना चाहिए, ताकि यीशु मसीह की गवाही जो है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो पक्की हो, उस पर परमेश्वर की पक्की मोहर लगे। ये नहीं है कि आपने लिया और गवाह हो गए कि साहब मैं पहले व्यभिचारी था, मैं ये था, बुरा इंसान था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तम्बाकू खाता था, जुआ खेलता था, लड़ाई झगड़ा करता था, दुआ नहीं करता था, बाइबल नहीं पढ़ता था, चर्च नहीं जाता था, लोगों का सम्मान नहीं करता, ये सब की सबका आधार ये होता है, प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है ये दिखाना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मुझ में है ये दिखाना है, प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझ में है ये दिखाना है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर है ये प्रकट करना है, तब उसकी गवाही होती है और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की होती है और किसी के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको लज्जित करने के लिए बात नहीं करता, परंतु सही में यीशु मसीह के गवाह बन जाने के लिए आपको प्रेरित करता हूँ कि आप सही में प्रभु यीशु मसीह के वो सच्चे गवाह बने और वो सच्ची गवाही दें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद।